दोस्तों आज हम आ गए हैं मुंबई और आज अपने इस वीडियो में हम आपको गोविंदा का घर दिखाएंगे, साथ ही उनके घर की लोकेशन भी बताएंगे और उनके घर को नज़दीक से दिखाएंगे किस तरीके का गोविंदा का घर है और कौन कौन सी गाड़ी वो मेंटेन करते हैं, ये भी बातें अपने वीडियो में बताएंगे। कुल मिलाकर ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। अगर आप गोविंदा के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप अगर मुंबई आएंगे तो आप गोविंदा के घर को देखने ज़रूर पहुँचेंगे। मैं आपको इस तरह उनकी लोकेशन बताऊँगा कि आप इजीली उनके घर पर पहुँच जाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और कवर करते हैं बॉलीवुड के स्टार गोविंदा का घर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज हम आ गए हैं गोविंदा के घर जल दर्शन में। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में यह है गोविंदा की बिल्डिंग। गोविंदा इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और लोकेशन आप देख सकते हैं इस तरीके की दोस्तों लोकेशन है। साथ ही अगर आप इनकी गाड़ियों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दो दो मर्सिडीज़ खड़ी हुई हैं, ये दोनों गोविंदा साहब की गाड़ियाँ हैं। अगर आप बात करेंगे उनकी बिल्डिंग की तो यह है दोस्तों जल दर्शन बिल्डिंग, जिसमें गोविंदा फर्स्ट फ्लोर पर अपने पूरे परिवार सहित रहते हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही इस बिल्डिंग के अंदर अपना एक छोटा सा पार्क भी है और काफ़ी विशाल पार्किंग भी इस बिल्डिंग के अंदर बनाई गई है। जल दर्शन बिल्डिंग एक बहुमंजिला बिल्डिंग है जो रुहिया पार्क के पास चहल पहल वाले और कुलीन गांधी ग्राम रोड पर स्थित है। गोविंदा के घर के पास आप जुहू बीच की मोहक झलक भी पा सकते हैं। जुहू मुंबई का एक पॉश इलाका है और इसलिए कई अन्य लोकप्रिय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यहाँ रहते हैं। उसी क्षेत्र में कुछ हस्तियाँ अजय देवगन, अनुपम खेर, आलिया भट्ट, शक्ति कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, डैनी, हेमा मालिनी सभी जुहू में रहते हैं। अब आप देख सकते हैं गोविंदा का घर, ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट दिख रहा है ये पूरा फ्लैट गोविंदा का है और गोविंदा यहाँ पर अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ काफ़ी विशाल ओपन पार्किंग बनाई गई है जहाँ पर गोविंदा अपने व्हीकल्स को खड़ा करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी की कोई भी रोक टोक नहीं है। हमने यहाँ पर कम से कम आधा घंटा बिताया लेकिन गार्ड्स ने हमें कुछ नहीं बोला। इस तरह दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कई अन्य स्टार हैं जो फ़ोटो और वीडियोग्राफी के लिए अपने गार्ड से मना करके रखते हैं और गार्ड तुरंत बोल देते हैं जैसे हम फ़ोटो खींचना शुरू करते हैं कि जाओ। ये चीज़ हमें गोविंदा की और शाहरुख खान की काफ़ी अच्छी लगी। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला अपने गार्ड को और गार्ड ने हमें बताया कि गोविंदा साहब फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। देखिए साइड से उनका अपार्टमेंट कितना खूबसूरत और बड़ा दिखता है। इस तरह दोस्तों गोविंदा मुंबई के पॉश इलाके में इस बहुमंजिला इमारत में रहते हैं जो काफ़ी शानदार है और जुहू बीच के नज़दीक स्थित होने की वजह से यहाँ आपको काफ़ी ठंडक महसूस होती है। जबकि अगर आप जुहू के बाहर के इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी महसूस होगी। जैसे जहाँ पर रहते हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अजय देवगन, इनके इलाके में हमें थोड़ी गर्मी फील हुई थी। अपने चैनल पर हम इन सभी स्टार्स के बंगलों के वीडियोज़ भी डाल चुके हैं जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बंगलों के वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो शेयर भी करना। इसी के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।